वहीं झांसी के सीपरी ओवर ब्रिज के निकट नीचे स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत नीलाम की जा रही दुकानों में पूर्व में व्यापार कर रहे पुटपति दुकानदार को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। शनिवार को फुटपाथी पटरी दुकानदार संगठित मंडल के तत्वाधान में अध्यक्ष अवध शरण सोनी के नेतृत्व में फुटपाथी दुकानदारों ने नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए महापौर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के पूर्व से और वर्तमान में ओवरब्रिज के नीचे फुटपाथी दुकानदार अपना व्यापार कर जीवन यापन कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी योजना के तहत ओवरब्रिज के नीचे दुकानों की नीलामी होना है, इसलिए वहां से फुटपाथ व्यापारियों को हटा दिया गया है, जिससे इन व्यापारियों की आजीविका और परिवार का भरण पोषण में परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि फुटपाथ के दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, वो नीलामी में भाग नहीं ले सकते। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सीपरी ओवरब्रिज के नीचे दुकानों की हो रही नीलामी में फुटपाथ दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाए।